और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है गोरखपुर से, जहां फरार पुलिस इंस्पेक्टर के घर बाबा का बुलडोजर गरजा है। फरार इंस्पेक्टर के घर पे यह मनीष गुप्ता मर्डर केस में इंस्पेक्टर का घर गिरा दिया गया है, जगत नारायण का मकान गिरा दिया गया है। यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। 900 स्क्वायर फीट में बना अवैध मकान जमींदोज कर दिया गया। 6 पुलिस वाले पकड़े जा चुके हैं अब तक, इंस्पेक्टर फरार है। आपको बता दें कि कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता गोरखपुर के एक होटल में रुके हुए थे और इसी दौरान कुछ पुलिस वाले चेकिंग के नाम पर कमरे में घुसे और फिर मनीष से बहस भी होने लगी और तभी आरोप है कि 7 पुलिस वालों ने उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी थी। हाई प्रोफाइल ये केस, मर्डर केस, जिसमें फरार जो इंस्पेक्टर था उसके घर पे ये बुलडोजर चला है, ये मकान गिरा दिया गया, 900 स्क्वायर फीट में बना अवैध मकान जमींदोज कर दिया गया है। पेशेवर अपराधी और माफिया थे, या तो जेल के अंदर है या जेल प्रदेश के बाहर है, और बहुत सारे लोग तो इस लायक भी नहीं है कि इस पार से उस पार कहीं जा सके। यूपी में बाबा बुलडोजर का डबल एक्शन। माफिया पर प्रहार, अपराधी पर हंटर। योगी सरकार 2.0 में बुलडोजर टॉप स्पीड में दौड़ रहा है। बाबा बुलडोजर के डर से माफिया अपराधियों की हलक सूख रही है। अपराधी गुंडे बदमाश थाने में तख्ते लटकाए पहुंच रहे हैं। अपराध से तौबा करने की कसमें खा रहे हैं, जान बख्श देने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जो माफिया अपराधी अभी तक नहीं सुधरे उसकी गर्मी पूरी तरह उतारने के लिए बाबा का बुलडोजर डबल एक्शन में है। जहाँ एक तरफ बुलडोजर माफिया और गुंडों का वैध साम्राज्य को ध्वस्त करता जा रहा है, तो दूसरी तरफ बुलडोजर पुलिस गुंडे बदमाशों से निपट रही है। बाबा का वचन ही शासन है और बाबा पहले ही कह चुके हैं कि यूपी में रहना है तो जमीन पर कब्जा और अपराध से तौबा कर लो, नहीं तो यूपी छोड़ दो। बाबा का बुलडोजर एटा में माफिया के सीने पर दौड़ा है, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की सारी हैंकड़ी निकाल रहा है। शहर के सरकारी जमीन पर 2 मंजिला बनाए गए इमारत को बाबा के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। इससे पहले अलीगंज इलाके में भू माफियाओं के अवैध एक भट्टे पर बुलडोजर चला। सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामनाथ यादव के अवैध एक भट्टे को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध रूप से निर्माण की गई बिल्डिंग है, इस वजह से फिर जो है सरकारी नियमों के तहत उसका इसके ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया है, उसके आधार पर ध्वस्त किया जा रहा है। सारी सूचना इनको दी गई और उसमें प्रॉपर आदेश को हुआ है विनि विच्छेद की तरफ से और उसके अंतर्गत इसे गिरवाया जा रहा है। एक तरफ बाबा का बुलडोजर शहर में शहर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले माफियाओं के नेक्सस को निस्तनाबूद कर रहा है, तो दूसरी तरफ बुलडोजर पुलिस अपराधी गुंडे बदमाशों को सलाखों के पीछे या अस्पताल लोग भेजने के लिए फुल एक्शन में है। गोरखपुर में 25,000 के इनामी इनामुल खान को पुलिस ने कुशीनगर में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। तो इधर गाजियाबाद के मसूरी इलाके में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश मुकेश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के कब्जे से लूटी गई करीब 9,75,000 रुपए बरामद कर लिए गए। रामपुर के सैफनी इलाके में भी पुलिस ने गुलाम नबी नाम के शातिर बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। डिस्ट्रिक्ट शूटर गुलाम नबी के खिलाफ थाने में 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इधर गोंडा में भी पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश रिजवान को धर दबोचा है। योगी सरकार 2.0 में माफिया गुंडे बदमाशों के लिए संदेश साफ है, सुधर जाओ नहीं तो बाबा का बुलडोजर ठोकेगा और यूपी के बुलडोजर पुलिस तोड़ेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।